नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। एक सात का स्टॉक हो चुका है और 4% की रैली यहां पर आई है। बाजार बहुत बढ़िया चला है आज के दिन में, गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद मार्केट ने बहुत सस्टेनेबिलिटी तौर पर एक अच्छा मार्ग बनाया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे सस्टेनेबल रहा है पूरा दिन मार्केट, बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिली है। एंड गैप अप ओपनिंग बताते हैं कि DII ने एक अच्छी खरीदारी की है। तो मैं बात करूंगा इस वीडियो में कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी इको रिपोर्ट भी जारी की है, साथ में उसमें बजट को लेकर के तो चर्चा है ही, इनके 5 ईयर प्लान की भी क्या चर्चा है, क्या बैंक ऑफ बड़ौदा करने वाला है, क्या आपको निवेश करना चाहिए इस कंपनी में और क्यों निवेश करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपका टारगेट क्या है। विदानी बैंक, अगर आप विदानी स्टॉक, अगर आप किसी भी स्टॉक पर पैसा लगा रहे हो तो उस कंपनी का क्या टारगेट है, फोकस कहाँ पर, उसका विजन क्या है कंपनी का, वो जानना बहुत जरूरी होता है। बात करेंगे देखिए इस वीडियो में कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने कितना अचीव किया है, कितना अचीव करने का प्लान है इनका आने वाले 2 साल 3 साल 5 साल में, साथ में ही अगर आप निवेश करते हो इस स्टॉक में तो अभी तो उसने 52 वीक हाई आज लगाया है, 108 का आपका, 107 108 का आपका टारगेट यहाँ पर, दूसरा जो टारगेट था मेरा वो यहाँ पर पूरा हो चुका है, तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि थर्ड टारगेट की तरफ कहीं ना कहीं हम बढ़ रहे हैं। तीसरा टारगेट कहाँ पर है, क्या उसके बाद बिकवाली करनी चाहिए, रुकना है, खरीदारी करना है, कैसा रहेगा, सब सवालों के जवाब देंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में जहां तक स्टॉक की बात है, आपको मैं डेली चार्ट दिखा देता हूँ। स्टॉक अच्छा है, जब निफ्टी 50 में गिरावट स्टार्ट हुई उस टाइम पे बाजार इस लेवल पर था, 92-93 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। एंड आप देखेंगे तो जहां मार्केट में गिरावट थी वहीं पर जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा था वो एक रेंज बना रहा था, एक अच्छा सपोर्ट मेंटेन किया है, क्योंकि खरीदारी इसमें बढ़ी है रिसेंटली। दो बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक निफ्टी में शामिल होने जा रहा है। अगर बैंक निफ्टी के बास्केट में बैंक ऑफ बड़ौदा इन्वॉल्व होता है तो बैंक निफ्टी का तो वेटेज बढ़ेगा ही, कहीं ना कहीं बैंक ऑफ बड़ौदा का भी वेटेज बढ़ जाएगा। ओवर $100 मिलियन का फंड यहाँ पर इन्फ्यूज किया जाएगा, आएगा यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हो कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है अगर शामिल होता है तो फंड इनफ्लो बढ़ जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर रिसेंटली सभी को पता है कि फंड इनफ्लो बढ़ने से जो अभी आप पिछले भी से कंपेयर करके देखोगे तो कभी भी इसमें 2% 3% से ज्यादा की रैली यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी आपको। बट एवर सिंस द बैंक हैज अनाउंस कि ये अभी यहाँ पर शामिल होने जा रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंक निफ्टी के बास्केट में शामिल होने जा रहा है, तब से इस स्टॉक में एक अच्छी रैली बनी हुई है। बिल्कुल आपको यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। निफ्टी 50 में जब गिरावट हो रही है उसके बावजूद भी स्टॉक में तेजी है, तो मुझे लगता है कि आपको इस स्टॉक को छोड़ना नहीं चाहिए। जहां तक टेक्निकल पैटर्न की बात है, RSI आप देख लो 76 पॉइंट्स का आपका RSI है, MACD आपका स्ट्रॉन्गली बुल रन में है, हिस्टोग्राम आपके अपर साइड है। एंड मैं ये दो तीन टेक्निकल पैटर्न पैरामीटर्स हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। दो तीन पैरामीटर आपके पास है जो सही बताते हैं, दैट्स फाइन। कि अगर 90% 95% एक्यूरेसी भी है उनके इन द लॉन्गर पीरियड, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा यहाँ पर मुनाफा बन जाएगा। जैसे मैंने बोला था, पहला टारगेट 98 का अचीव हो चुका है, 107 का दूसरा टारगेट अचीव हो चुका है। अभी भी अगर आप देखो तो 20-day मूविंग एवरेज एंड स्टॉक जो आपका 9-day मूविंग एवरेज है दोनों के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 44-day EMA यहाँ पर है आपका, जिसका मतलब है कि अभी भी स्टॉक इसके ऊपर है, स्ट्रॉन्गली बुल रन का मार्केट है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अभी भी देखो स्टॉक में बाय सिग्नल है, तो आपको खरीदारी के पर्सपेक्टिव ही ढूंढना चाहिए, खरीदारी का ही मौका ढूंढना चाहिए। सौदा है, अच्छा है, मुझे लगता है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। कहाँ रखो टारगेट अपना उसकी बात करें, देखो पहला टारगेट हमारा कहाँ पर था, मैंने आपको बताया था 1098 के आसपास का आपका पहला टारगेट था अराउंड हियर, ठीक है ना। एंड सेकंड टारगेट कहाँ पर था आपका, अराउंड उसी प्राइस पे 107-108 के आसपास का आपका, दोनों ही टारगेट सेट हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। तो थर्ड टारगेट क्या है, थर्ड टारगेट इज अराउंड रुपीज, लेट मी मार्क दैट टू, अराउंड रुपीज 130 का आपका थर्ड टारगेट है। दो तीन चीजें आपको याद करना पड़ेगा अगर आप 130 के टारगेट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो या आप होल्ड कर रहे हो, दो तीन चीजें आपको ध्यान करो, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक आपका डबल टॉप बनाता है, इस तरह का डबल टॉप बना और अभी यहाँ पर डबल टॉप बन चुका है, और कई बार होता है कि ये डबल टॉप बना करके स्टॉक नीचे फिसल जाता है। तो मेरी राय यही है, मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि अगर मैंने लोअर एंड पे बाय किया है जहां मैंने आपको बोला था कि खरीदारी करो, बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ से भागेगा, लाइक नीचे की साइड को मैंने यहाँ पर आपको वार्निंग दिया था कि यार यहाँ से स्टॉक आपका निकलेगा, 81 रुपीज के आसपास खरीदारी करने की मेरी सलाह थी आपको। अगर आपने यहाँ खरीदारी किया है तो बिल्कुल आपको अगर यहाँ पर 98 के आसपास अपने माल नहीं बेचा है, बिल्कुल 100% पोजीशन आप कैरी कर रहे हो, तो 50% ऑफ ये पोजीशन यहाँ पर अपना कट डाउन कर दो एंड 50% को आप यहाँ से राइड कर सकते हो 130 के टारगेट के लिए, ठीक है ना।
स्टॉक अच्छा है, बट दैट डजंट मीन कि आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रिस्क लो यहाँ पे, और अपना जो प्रॉफिट है उसको डाइल्यूट करो। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हो, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आए हो कि नहीं हम यहाँ पर 1 साल 1.5 साल 2 साल रुक सकते हैं, इट्स फाइन, आप राइड करो इसको पूरे 100% पोजिशन के साथ, होल्ड करो अपनी पोजिशन, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको आने वाले दिनों में बहुत अच्छा मुनाफा बनेगा, ठीक है। और ये मैंने पैरामीटर्स आपको बता दिए हैं, RSI आप देख लो स्ट्रांगली बुल रन में है, MACD आपका स्ट्रांगली बुल रन में है, तो बिल्कुल आपको खरीदारी करने का चार्ट बना हुआ है। अब जहां तक देखो पैरामीटर की बात रही है, स्टॉक को सिलेक्ट कैसे करना है, वो सारी चीजें हैं, तो आपने बुक का रिकमेंडेशन भी मांगा था, एंड हियर इट इज, पीटर लिंच की बुक है लर्न टू अर्न। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो, अमेजन पे मिल जाएगी, प्रमोशन नहीं है, इट्स जस्ट अ सजेशन। अगर आपको बाय करना है, मार्केट को सीखना है बेहतर तरीके से, ज्यादा प्रॉफिट बनाना है, यू कैन रिकमेंड दिस बुक। आपको यहाँ पर थोड़ा सा बहुत अच्छी गाइड के तौर पे ये काम करेगी, 10 पॉइंट्स यहाँ पर इन्होंने लिखे हैं, पीटर लिंच साहब बहुत एक महान एक सफल ट्रेडर्स के तौर पे आप इन्हें देख सकते हैं, बहुत अच्छे, इन्होंने 0 से $1 बिलियन कंपनी खड़ी की थी अपनी, तो अभी भी आप देखेंगे तो बहुत सारा इनका जो बुक है वो आपको काफी हेल्प कर सकती है टू मेक मोर प्रॉफिट इन द स्टॉक मार्केट। गो अहेड बाय द बुक, आप लिंक से जाओ, बिना लिंक के जाओ, बट ये बुक आपको काफी फायदा करेगी, ठीक है ना। अभी के लिए अगर आप देखो, मैंने आपको कहाँ खरीदारी करनी है, कितना पैसा बनेगा वो बता दिया। डिलीवरी की जहां तक बात रही है, आप देख लो कि डिलीवरी स्टॉक में अभी भी है, और डिलीवरी महत्वपूर्ण है, डिलीवरी इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर डिलीवरी अच्छी है, डिलीवरी हाई है, दैट मीन्स कि मार्केट में अभी भी उछाल वाली सिचुएशन है। आप देखो कि 27% बिफोर द 27 20 40% की डिलीवरी, उसके पहले आप 40% बिफोर दैट, 21% बिफोर दैट, 27 25 मोर देन 25% की एवरेज डिलीवरी आप मान सकते हो, बीच में 40% के आसपास की भी डिलीवरी हुई है, तो मोर देन 25% की डिलीवरी यहाँ पर लगातार जारी है। डिलीवरी अच्छी है, दैट मीन्स कि स्टॉक में अभी भी आपके लिए एक अच्छा मौका है खरीदारी करने का। जहां तक आपके Q3 नंबर्स की बात है, देखो Q3 मैटर करता है, Q3 अब तक नहीं आया है, तो इस वजह से ज्यादा आपको कॉशियस रहना है। कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक को जो निवेशक होते हैं, जो मैनिपुलेटर होते हैं, वो ऊपर लेकर के जाते हैं, और Q3 खराब आता है, एंड देयर वहां से वो लोग मार्केट को डंप करते हैं, तो वो चीज आपको देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने नीचे से कैरी किया हुआ है अपनी पोजीशंस को, तो यहाँ 107-108 के आसपास अपना 50% पोजीशन कट डाउन कर दो, और 50% को लेकर के राइड करो बस, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स। देखो मुझे उम्मीद है बैंक ऑफ बड़ौदा से कि इस दिसंबर क्वार्टर खराब नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर ने अपने अपने रिजल्ट अनाउंस करना स्टार्ट किए हैं, एंड दे आर डूइंग मार्वलसली वेल, तो मुझे लगता है कि इस बार बैंक ऑफ बड़ौदा भी कुछ गजब का करेगा। एंड आई एम होपिंग कि देखो बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे होप नहीं कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 16-17% के आसपास दोबारा जाए, अराउंड 20% के आसपास अगर जाता है आई वुड बी फाइन। एंड जहां तक रेवेन्यू की बात है, रेवेन्यू स्टेबल भी रहता है, दैट वुड बी गुड, क्योंकि इस क्वार्टर में भी बहुत ज्यादा बैंकिंग सेक्टर ओवर ऑन फ्रंट जो चीजें थी वो बदल रही थी, FII निकल रहे थे, तो बैंकिंग सेक्टर में स्पेसिफिकली अगर आप PSU की बात करें तो प्रॉब्लम्स तो थी, तो इसीलिए अगर मार्जिन सुधरता है, नेट प्रॉफिट अगर स्टेबल भी रहता है, आई वुड बी फाइन। एंड जहां तक नेट NPA की बात है, नेट NPA ठीक ठाक है, 2.83% के आसपास का, अगर ये भी इतना ही रहता है तो वो भी ठीक रहेगा। मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं है, स्टेबिलिटी, आई वॉन्ट स्टेबिलिटी इन द रिजल्ट्स, तो वो देखते हैं कितना आता है कितना नहीं, बट अभी के लिए अगर आप खरीदारी करने जा रहे हो, गो अहेड बाय द स्टॉक, अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर निवेश करना चाहिए। जहां तक बाजार को लेकर चर्चा है, बाजार को लेकर के अभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, 17,300-17,400 के आसपास का हाई जरूर लगाया है बाजार ने, बट दैट डजंट मीन कि आपको यहाँ पर एक बड़ी रैली देखने को मिल जाएगी, बहुत बड़ा कोई बवाल हो जाएगा, तो बिल्कुल देखो बाजार को बहुत सीरियसली लो, कॉशियसली लो, अग्रेसिव नहीं जाना है, थोड़ा सा सतर्क होकर के, कॉशियस होकर के ही खरीदारी करनी है। FII आर स्टिल इन नेट सेलर जोन, तो वो थोड़ा सा आपको देख कर चलना पड़ेगा। जब तक FII बिकवाली में है, ब्रेंट के प्राइस बढ़े हुए हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, तब तक के लिए कम से कम आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। बाकी खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को ही खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कमेंट बिलो, पूछना हो तो थैंक यू।